हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पे आपके सामने पांच ऐसे स्टॉक्स लाए हैं जो फंडामेंटली और टेक्निकल दोनों तरीके से एकदम बेटर है, और इन स्टॉक्स के ऊपर अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट आने की कंडीशन में है, और ये कहीं कहीं भी ऐसे एक अच्छी ट्रेंड लाइन के ऊपर आप पे ब्रेकआउट देने की कंडीशन पे खड़े हैं। अब इन स्टॉक्स को अगर हम मई मंथ के लिए अगर होल्ड करते हैं, अगर हमारा एंट्री इसमें होता है और अगर हम मई मंथ के लिए इसमें होल्ड करते हैं, तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो पांचों स्टॉक्स कौन से हैं ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और वन बाय वन इनके साथ में आपको टारगेट्स भी बताने वाला हूँ। तो आप पहला स्टॉक यहाँ पे देख सकते हैं, उषा मार्टिन का वीकली चार्ट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। अभी इस स्टॉक्स को यहाँ पे लेने का क्या रीजन है, पहले वो रीजन हम देख लेते हैं। तो चार्ट को मैं थोड़ा मिनिमाइज करके आपको बताता हूँ। ये आप देख लीजिए, उषा मार्टिन का चार्ट है जिसने सबसे पहले एक हाई लगाया था। ये जो हाई लगाया लगभग 2008 के अंदर लगाया, आप यहाँ पे हाई देख पा रहे हो, और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 2023 के अंदर दिया, यानी कि ये जो ब्रेकआउट हुआ ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, प्राइस आपका यहाँ से भागा। अब ये प्राइस यहाँ से सीधा सीधा ऊपर की तरफ निकला, और इसने यहाँ से कितना परसेंट भागा, देखिए यहाँ से ब्रेकआउट को अगर कंसिडर करके देखते हैं तो लगभग लगभग 125% ये ऊपर की तरफ गया। अब ये एक रनवे देने के बाद, इसके बाद ये प्राइस आपका यहाँ पे इस मोमेंटम के अंदर फंस गया, ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस ले रहा है और नीचे की तरफ ये कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे क्या एक जोन बन गया है, आप देख लीजिए यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो गया। अब ये इस जोन का ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। अगर ये जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मली हो जाता है तो उसके बाद यहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड पकड़ के चलेंगे, वो है आपका, देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा वो हम यहाँ पे आपको मेंटेन करके बताते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टारगेट कंसिडर करते हैं तो यहाँ से जो हमारा रिस्क रहेगा वो रहेगा 10%, और यहाँ से हमारा जो रिवॉर्ड रहेगा वो यहाँ से पहला टारगेट रहेगा 20% और दूसरा टारगेट रहेगा 30%। हम फिलहाल यहाँ पे 20% पकड़ के चल रहे हैं 1:2 के लिए, वरना ये 1:3 1:4 तक भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे 100% चलने के बाद यहाँ पे एक सस्टेंड अच्छा खासा करा है, और टाइमिंग भी अच्छा लिया। अगर 1 वीक के हिसाब से देखें यहाँ पे एक अच्छा खासा आपका टाइमिंग इसने लिया है, और फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। सो पहला स्टॉक्स के अंदर हमारा ये कंडीशन बन रहा है। अभी नेक्स्ट स्टॉक्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये है आपका दूसरा स्टॉक्स। अभी दूसरे स्टॉक्स के अंदर क्या हो रहा है कि आप इस स्टॉक्स को देख पा रहे हैं कि ये नीचे से ऊपर की तरफ रन अप कर रहा था। अभी यहाँ पे इसके सपोर्ट्स बन रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, तीसरी बार इसी कंडीशन लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है। ऊपर से ये प्राइस जब ऊपर की तरफ गया तो एक बार रेसिस्टेंस यहाँ पे लिया, दूसरी बार रेसिस्टेंस लिया, तीसरी बार रेसिस्टेंस लिया, और उसके बाद ये प्राइस ने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। फिर से ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है इस वाली ट्रेंड लाइन का और इस वाली ट्रेंड लाइन का, तो दो तरफ से इसका सपोर्ट बन रहा है, और उसके बाद ये प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जंप कर रहा है। सो अगर यहाँ पे हम टारगेट को मेंटेन करते हुए चले तो हम टारगेट को एक बार यहाँ पे लगा के देखते हैं। सो अगर करंट प्राइस के ऊपर भी हम इसके टारगेट को पकड़ के चलते हैं जहाँ पे इसका प्राइस खड़ा है, तो यहाँ से 10% नीचे लगभग लगभग आपको 10% नीचे आपका एसएल रहेगा, तो ये आपका कंफर्टेबली एसएल है 10% का। और ये जो टारगेट यहाँ पे, ये जो इसने हाई लगाया है, मोस्ट ऑफली यहाँ तक अगर हम गिने तो 1:2, यानी तो यहाँ पे 22% का हमारा टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये था आपके लिए दूसरा स्टॉक्स। अभी तीसरा स्टॉक्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप बिगनर्स है और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो हम आपके लिए लाए हैं 2 दिन का वर्कशॉप, जिस 2 दिन के वर्कशॉप के अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से स्टेप टू स्टेप सीख सकते हैं, जिसके अंदर हम ये ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये स्टॉक को हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, साथ में इन्हें एंट्री कैसे डिसाइड करते हैं, एग्जिट का क्राइटेरिया क्या रहेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे मेथड का यूज करते हैं हम लोग, तो प्रॉपर तरीके से हम ये 2 दिन के सेशंस के अंदर आपको सिखा रहे हैं। जो ये सेशंस रखे जाते हैं वो सैटरडे और संडे, यानी 2 दिन वीकेंड के ऊपर हमारे सेशंस रहते हैं, जिसमें टाइमिंग आपका रहेगा 11 यानी 11 बजे से 1 बजे तक का, और 2 घंटे के अंदर हम आपको प्रॉपर तरीके से स्टेप टू स्टेप सिखाएंगे। अगर आप ये वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से स्विंग ट्रेडिंग को, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई वेबसाइट का एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके पहले ये पढ़ सकते हैं कि हम आपको 2 दिन में क्या क्या चीजें सिखा रहे हैं। डे 1 में क्या सिखा रहे हैं सैटरडे को, और डे 2 में आपको क्या सिखा रहे हैं संडे को। ये दोनों दिन का आप पढ़ने के बाद वहां पे ज्वाइन नाउ का बटन आपको मिलेगा वेबसाइट पे, अगर आप वहां पे क्लिक करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। अब इसी के साथ में अगर आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का डायरेक्ट लिंक है, तो आप डायरेक्ट लिंक के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आप सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। वहां से आप ये डायरेक्ट सेशंस को या इस डायरेक्ट वेबिनार को आप अटेंड कर सकते हैं। दूसरा, आप गूगल के ऊपर जाके अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप रॉयल स्विंग ट्रेडिंग टाइप करिए। आप जैसे ही गूगल के ऊपर रॉयल स्विंग ट्रेडिंग टाइप करेंगे, आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी, आप यहाँ पे वेबसाइट का नाम देख लीजिए, यही नाम आपको मैच करना है। सो पहली वेबसाइट आपके सामने जो आ रही है, आपको उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो सीधा सीधा आप हमारी वेबसाइट पे चले जाओगे, तो और इसी वेबसाइट का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। अब यहाँ पे आप डिटेल पढ़ सकते हैं, ज्वाइन नाउ का बटन से आप क्लिक करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और सीधा सीधा आप वहां से वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए था, जो लोग बिगनर से सीखना चाहते हैं ये प्रॉपर तरीके से हम कैसे करते हैं। ठीक है, और ये जो वेबिनार है वो आपके फ्री है।
चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, दो स्टॉक्स तो हम कवर कर चुके हैं, तीसरा स्टॉक्स। अब तीसरा स्टॉक आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो स्टॉक्स है एससीएल टेक्नोलॉजी। अब एससीएल टेक्नोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देख लीजिए नीचे से एक ट्रेंड लाइन आप अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, एक बार दो बार तीन बार, और अभी इसी ट्रेंड लाइन के ये पास में आ रहा है, तो एक सपोर्ट तो आपका ये बन गया। ऊपर से अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो दो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे भी सपोर्ट बन रहा है, एक ऊपर की ट्रेंड लाइन का और एक नीचे की ट्रेंड लाइन का, तो दोनों सपोर्ट एक ही जगह क्रिएट हो रहा है। तो अगर यहाँ से हम एंट्री की डिसाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ से एंट्री को डिसाइड करते हैं, तो अगर हम नीचे वाली ट्रेंड लाइन यानी करंट प्राइस के ऊपर भी देख लें, या फिर यहाँ से जब ये बुलिश कैंडल बने, देखिए इस वाली ट्रेंड लाइन से जब बुलिश कैंडल बनेगा तो वहां से हम एंट्री को डिसाइड करेंगे, तो सेम कंडीशन हमारा रहेगा 10% का एसएल यहाँ पे, और यहाँ से हम जो टारगेट रखेंगे, ये आपका टारगेट, ये जो मेन हाई लगाया है वो आपका टारगेट, तो लगभग 24% हो रहा है, पर हम 20% पकड़ के चलते, तो 1:2 का रिस्क रोड आपका यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। तीसरा स्टॉक आपका हो चुका है, अब रहे दो स्टॉक लास्ट आपके। अब ये चौथा स्टॉक आया मझगांव डॉक। अब मझगांव डॉक के अंदर क्या हो रहा है, प्राइस आप देख लीजिए एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद हमने ये स्टॉक पहले भी बताया, यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद ये स्टॉक्स एक जोन के अंदर फंस गया और अच्छे खासे टाइम तक ये फंसा रहा। अब ये जोन क्रिएट होने के बाद यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुली देता है तो फिर से आपका यहाँ पे 1:2 का आराम से एकदम इजी टारगेट आपका 1:2 अचीव हो सकता है, क्योंकि ये जब स्टॉक्स चलते हैं तो 100-100% इजीली यहाँ से मूव कर देते हैं। सो अगर हम इसके ब्रेकआउट के ऊपर अगर यहाँ पे कंसिडर करें, अगर हम यहीं से भी पकड़ के चले, तो 10% हमारा एसएल यहाँ पे क्रिएट रहेगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ हमारा जो टारगेट रहेगा वो 20% का पहला टारगेट। उसके बाद हम इसको ट्रेल करते हैं, और ये ट्रेलिंग का मेथड भी हम आपको वहां पे सिखाने वाले कि हम कैसे ट्रेल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रेलिंग का क्या मेथड रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका चौथा स्टॉक। अभी पांचवें स्टॉक से अगर हम बात करें तो वो है आपका एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आप देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट, एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आपको आते हुए दिख रहा है। 2019 के अंदर इसने एक हाई लगाया, आप यहाँ पे देख ले, 2019 के अंदर एक हाई लगाया और उसी हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट करने के पास में आ गया। आप देख लीजिए स्टॉक्स बिल्कुल कंडीशन पे खड़ा है ब्रेकआउट की। अभी अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे होने से पहले प्राइस एक टाइट कंसोलिडेशन यहाँ पे तैयार कर रहा है, आप देख लीजिए अच्छा खासा 1 वीक की कैंडल के हिसाब से देखो तो एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन यहाँ पे तैयार हो रहा है। अभी ये मंथली चार्ट पे देखिए, ये है आपका वीकली चार्ट, ठीक है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है मंथली चार्ट पे, ठीक है। मंथली चार्ट के ऊपर आप देख लीजिए इसने क्लोजिंग किया, आप देख लीजिए मंथली चार्ट के ऊपर इसका क्लोजिंग इस कैंडल के ऊपर आ गया है, और वीकली चार्ट के ऊपर भी इसका क्लोजिंग ऊपर हो चुका है, तो दोनों तरफ से यहाँ पे क्लोजिंग हो गया है। अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा सेम ही रहेगा, 10% एसएल के साथ हम यहाँ पे करंट प्राइस पे एंट्री बना सकते हैं, 10% हमारा नॉर्मल सा यहाँ पे एसएल रहेगा, ये आपका 10% का एसएल, और यहाँ पे भी जो टारगेट अगर हम पकड़ के चल रहे हैं तो आपका 20% मिनिमम टारगेट, 1:2 हम अभी पकड़ के चल रहे हैं, और बाद में अगर इसको हम ट्रेल करते हैं तो ये आपको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। तो पांच ट्रेड हमने आपके सामने लाए, और पांचों ट्रेड के अंदर एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, इन पांचों ट्रेडों को आप वॉच कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि इनमें से किसी भी स्टॉक्स में आप बाई या सेल ना करें, क्योंकि हम जो आपको ये वीडियोस बना के बता रहे हैं आपके एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहे हैं कि कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, कैसे आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे किसी स्टॉक्स को आप सिलेक्शन कर सकते हैं, तो आप इनका पेपर ट्रेडिंग करें, आप इन स्टॉक्स में एंट्री लेने से पहले एक बार अपना रिसर्च करें और अपने हिसाब से पूरा जांच परख करने के बाद आप बाय करें, क्योंकि हम आप यहाँ पे केवल एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप बाइक करते हैं आपको प्रॉफिट होता है तो अच्छा है, पर लॉस होता है तो भी आप ही का होगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं आप पहले इसको देखिए, फिर उसके ऊपर आप एनालिसिस करिए पूरी तरीके से देखिए, उसके बाद आप अपना रिस्क ले, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अब आप अगर हमारा सेशन अटेंड करना चाहते हैं, आप वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं, तो अभी अभी आप जाइए और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।